क्या कर रही है? मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जीना चाहती, छोड़ो मुझे। ये कोई रास्ता नहीं है, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रहना चाहती। बंद करो नाटक, खुदकुशी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होती। तो क्या करूँ मैं, मेरी बेटी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं क्या करूँ? मैं खुद उसे यहाँ लेकर आई हूँ और आसमा ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है, शक कर रही है मेरे ऊपर। ना पुत्र, तो इसकी बातों का बुरा मत मान, हमें सब पता है, तेरी अच्छाई और तेरी सच्चाई भी और इसकी असलियत भी। दूध की धुली नहीं है ये, तुझे नहीं पता इसने हमें कैसे कैसे नजारे दिखाए हैं, बहुत गलत किया है इसने हमारे साथ। अगर इसने इतना ही गलत किया आप लोगों के साथ, तो फिर आपने इसे अपने घर में क्यों रखा हुआ? I'm sorry, लेकिन अगर ये इस घर में रहेगी तो मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, मैं इसकी परछाई अपनी बेटी पे पढ़ने भी नहीं दूंगी, कभी नहीं। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से अरमान और आसमा की जिंदगी बिरान हो गई है। जी हाँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मेहर है वो अरमान की बेटी होती है, जिसे उसने अब तक पाला पोसा, बड़ा किया और खूब सारा प्यार दिया। लेकिन अचानक से जब मेहर की नकली मॉम आ जाती है तो ये सारी की सारी अरमान की जो आगे की भी मुरादें थे वो खत्म हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से अरमान और आसमा मिलकर अब मेहर को बचाते हुए दिखाई देंगे उसकी नकली मॉम से। क्योंकि यहाँ पर जब कोर्ट में दलील पेश की जाती है तो ये रिजल्ट निकल कर आता है, जब मेहर से पूछा जाता है कि आपको मम्मी चाहिए या फिर पापा, तो वो दबाव में कह देती है मुझे मम्मी चाहिए, यानी कि वो मम्मी जिसे उसने कभी देखा भी नहीं और वो पापा जिसके साथ उसने इतना टाइम स्पेंड किया, सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे में दबाव में आ जाती है छोटी सी बच्ची और सिम्मी को, यानी कि अपनी नकली मम्मी को ही अपनी मम्मी कह देती है और कह देती है मुझे उनके साथ ही रहना है। अब शो नया मोड़ लेता हुआ दिखाई देगा। दरअसल आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान और आसमा अब पूरी जान लगा देंगे मेहर को वापस लाने के लिए, जहां पर उन्हें ये भी सारा सच का पता लगेगा कि आखिरकार किसकी बेटी है मेहर। खैर, आने वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।